हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 11 बज चुके हैं और आज का व्लॉग 11 बजे से हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो जी, अभी सबने ब्रेकफास्ट कर लिया है। थोड़ा सा लेट ही होता है सर्दी के मौसम में, नहीं तो गर्मी के सीजन में क्या होता है, 8 बजे तक सारे जो है ब्रेकफास्ट के बर्तनों के काम निपट जाते हैं। चिंकी आज अपने चाचा जी के साथ गई है बाहर। तीनों छोटे बच्चे चले गए घेर में। घेर में तो बहुत ही हवा लग रही होगी आज। सुबह के टाइम इतना ठंडा महसूस नहीं होता, जैसे ही दिन बढ़ता जाता है ना टाइम, तो उसी हिसाब से ठंड बढ़ती जा रही है। जैसे 10 बजेंगे 11 बजेंगे उस टाइम पर ठंड हो जा, अर्ली मॉर्निंग में इतनी ठंड नहीं लगी। तो बच्चे घेर में चले गए आज मुझे बिना बताए। मुझे पता नहीं, मैं गई हुई थी ऊपर एक व्लॉग जो है शेड्यूल पर लगाने के लिए। और अभी थोड़े से बर्तन साफ करे हैं गुड्डू ने, अब कुछ मैं करूंगी। आज मैंने पहले ही सोच रखा था कि मैं छोले बनाऊंगी, इसलिए मैंने रात में ही छोले जो है भिगो कर रख दिए थे। छोले राजमा ऐसी चीजें हैं तो उन्हें पहले भिगो के रखना पड़ता है। काफी दिनों बाद मैं आज छोले बनाऊंगी और मिट्टी का चूल्हा जलाऊंगी। गुड्डू के पापा बिना लेकर आएंगे टमाटर। जो टमाटर रखे हुए थे वो काफी पुराने हो गए थे और टमाटर खाने का अभी मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन छोले की सब्जी में थोड़ा सा तो डालना ही पड़ेगा, इसलिए अभी उन्हें भेज देंगे, वो लेकर आएंगे। छोले मैं तब तक गैस के चूल्हे पर उबाल लेती हूँ, क्योंकि बड़े कुकर का ढक्कन खराब हो गया, छोटे कुकर में ही हो जाएंगे। मैं तो कल मैंने इसलिए दाल भी वहीं पे बनाई थी, फिर मिट्टी का चूल्हा जलाया नहीं था। आज ये पूछ पूछ के कि आज हमें नाना नहीं क्या, आज सारे के सारे पहले ही चले गए। कई दिन से अपने पापा को परेशान कर रहे, ट्रैकिंग के लिए बोलते हैं अपने पापा को। कल भी बोल थे कि आप 3 दिन से जा नहीं रहे, भाई थोड़ी बहुत बीच में धूप निकली तो लेकर चले जाते। 3 जने हैं, तीनों परेशान कर देंगे, इसलिए मैं मना ही कर दिया पहले। नुकैरती मेरी ड्रेस दिखा दो मुझे, बस नूनू लगा कर देख लूंगी, पहनने की नहीं पक्का। और उसे किन्ना बताया? पता नहीं किन्ना बताया, मगर किन्ना बताया तो जाए मुझे पता। ने तो वीडियो देख ली, तो मुझे बस नूनू लगा कर देख लूंगी, बस नू कैसी लगे पता इसका मतलब है। तो भाई नंदनी को मैंने बताया नहीं था बिल्कुल, और घर में सब सदस्यों को मना कर रखी थी नंदनी को ना बताइए, उसकी ड्रेस आ गई। तो अपनी मम्मी को फिर भी उसने इसका मतलब व्लॉग देख लिया। चिंकी देखती रहे ना व्लॉग ऊपर कंप्यूटर में, तो इस वजह से उसने भी देख लिया होगा कि मेरी ड्रेस आ गई। तो अपनी मम्मी को कह रही नू लगा के देख लूंगी ना मैं पहनने की नहीं। तो छोले चावल में बना रही आज। सबसे पहले दूध गर्म किया, अभी चावल रख दिए उबालने के लिए, और बच्चे कह रहे किस तरीके से बनाना। तो भाई टमाटर पिछली बार जो आए थे वे बहुत दिन चले, इसलिए चले जिन्होंने टमाटर खाना कर दिया सर्दी में। हालांकि ये जो है पका के खावे उसे, कच्चे नहीं खाते, लेकिन पिछली बार कुछ घटिया किस्म के टमाटर आ गए थे तो वे कम ही खाए गए। आज बिल्कुल फ्रेश से लग रहे हैं। ये मन ने सब्जियों की कटिंग कर दी, मगर भाई थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम, सर्दी का मौसम है, बाहर चूल्हा जला रखा, शुगर दे की हवा लगे और ठंड भी बहुत लगे। और उसी को मैं ये कह रहा बेटे साइकिल चलानी सीख ले, फिर एक बहुत अच्छी सी नई साइकिल लाऊंगा लड़के वाले पैटर्न की, है चल सीख ले, क्यों डर लगे तो। और जो वो चलावे तो अपनी स्कूटी उसके भी पहिए निकाल दूंगा, फिर वो ऐसे ही चलानी पड़क रहेगी, अब तो सपोर्टिंग वाले पहियों से चला। सीख ले जल्दी, तेरे पे आवे थोड़ी सी तो आवे, थोड़ी सी कमी रह रही है, उसे जल्दी सीख ले। पापा जी, हाँ? मुझे चलाने दे रहा भाई, इसे दियो ये सीख के। पापा जी देखो ये नू चलानी है, तो 1 मिनट के लिए दिए, देखेंगे कैसे। पापा जी मैं किस तरह तो बैठो दोनों तरफ से, चलो शाबाश, चलाओ चलो पैर ऊपर करो पैडल पे। देख कहाँ रख के, ये स्कूटर है क्या, इन पर रख, चला चला चलो चलो, इसने हौसला तो दिखाया, मोड़ो मोड़ो उल्टा चला रही, इधर को मोड़ो बच्चे से बच के, इधर को नहीं नहीं तेरे पे गिर जाएगी प्रभु, चलो बैठ हैंडल पे, चलो चलो बैठे, चलो 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 चलो, आराम से चलो शाबाश। देखो भाई और उसी से ज्यादा हिम्मत दिखाई इसने साइकिल सीखने की, चलो आगे ध्यान रखो बेटे, चलो लगाओ पैडल लगाओ, चलो चलो पूरा घुमाओ। तो भाई नंदनी को मैंने कई चक्कर लगवाए अभी साइकिल राइड करवाने के लिए, और वो मुझे लग रहा कि और उसी से पहले सीख जाएगी। अभी ये चलाती है वो बैटरी वाला स्कूटर, हाँ जैसे आवाज आ रही नंदनी की पहले ही सीख गई, तो उसे पिताजी ने सिखा दिया था। तो मैं कह रहा है बेटे जल्दी सीख ले तेरी एक न्यू ब्रांड साइकिल बढ़िया वाली, जिसमे सब कुछ एसेसरीज, फोग लाइट, डिस्क ब्रेक, अच्छा सा डैशबोर्ड और म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा सा है, और बैक कैमरा, पार्किंग कैमरा, ये सब चीज लगवा के लाऊंगा तेरी साइकिल में, है पापा जी। ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में लाऊंगा। हाँ। पैरों वाले तो
कपड़े। पापा जी मेरे वाले में, मेरे वाले में भी लगवा दो। चल ठीक है, उसे भी मॉडिफाई करवा दे। पापा जी मेरे बर्थडे में ना शाइन तेल लगा दो। ठीक है बेटे, तो भाई फाइनलाइज हो गया है ये डिसीजन, लेकिन इसमें एक शर्त रहेगी, जब ये दोनों साइकिल चलाना सीख जाएंगे, जो भी पहले सीखेगा। मैंने तो शीतली साइकिल चलानी, इन्हें भी शीतली, इन्हें शीतली, ये भी जल्दी सीख जाएगी, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है। और आपको किसने सिखाई थी? पिताजी ने। अच्छा, चिंकी को भी पिताजी ने सिखाई थी। हाँ रूसी, देखो इसे इतनी फिकर होगी, इसका बोल भी नहीं निकल रहा कि भाई साइकिल सीख ले चला ले। एक दो बार गिरेगी बेटा, फिर जो है आराम से आ जाएगी। कुछ तो आती है तेरे पे, लॉन्ग राइड तो तू करती है अपनी स्कूटी से। तो भाई काम निपटाते निपटाते धूप निकल गई है फाइनली, और बस मेरा भी काम रोटी सेकने का रह रहा, और बाकी क्लीनिंग के, कपड़ों के, डस्टिंग के सब काम निपट चुके हैं। और इधर हमारे छोले भी बनकर तैयार हो गए। आज यहाँ का फलहरा भी मैंने साथ ही साथ साफ कर दिया। बस एक पतीली है, वो भी चावलों की, और छोले की सब्जी तैयार है। इसमें से पहले छोले में बिना धनिया पत्ती वाले चिंकी के निकाल लूंगी, और फिर जो है सारे में धनिया पत्ती डाल दूंगी। आज काफी दिनों बाद लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाई। फिलहाल भाई जो जूली की बेटी है उसकी डिलीवरी हो गई है, और डिलीवरी तो उसकी परसों से हो रखी है। अभी बच्चों उसके पास लेके नहीं गए हैं, बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं उसके पपीज देखने के लिए। और भाई 8 पपीज दिए हैं उसने, तो देख के आओगे अभी कैसे कैसे हैं भाई, कितने फीमेल हैं, कितने मेल हैं। और बच्चों ने और उसी ने ले लिया बिस्किट, और थोड़ा सा ले लिया है दूध, अभी है वो जच्चा, तो उसके लिए थोड़ा सा राशन पानी जूली को देंगे। ठीक है, आ रहा हूँ बेटे, अंदर नहीं सारे आ जाओ, इसके पीछे पीछे आ जाओ सारे, से पता कहाँ है वह। आरो सार उसी जा लिया। चलो भाई, चलो भाई, अरे तू साइकिल यहीं खड़ी कर दे, यहीं पार्क कर दे साइकिल को, आ जा। वानी वानी देख, वो रहा उसका घर, देख कितना बढ़िया घर सर्दी से बचाव का बना रखा भाई बच्चों ने मोहल्ले के। रुक जा ऐसे ना घुसे, देखो देखियो भाई, रुको 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 रुको, मेरे देखो कितने सारे पपीज हैं भाई, छोटे छोटे पपीज। ये बिस्कुट आ जा, कुछ खा पी ले पहले, तो इसमें बिस्कुट इसमें डाल दियो। गरम तो नहीं है ना आयो? हाँ गरम है। चुप चुप। और ये हैं भाई इसके पपीज, मैं ले लूं हाथ में? हाथ में नहीं लेना, इतने छोटे बच्चों को हाथ में नहीं उठाते। नहीं जब ये बड़े हो जाएंगे ना उठाइए ना। नहीं नहीं अभी नहीं बेटा। पापा जी भी, पापा जी काट ले ये। पापा जी भी काटने, ये लड़ाई कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं अब। देखो भाई कितने सुंदर सुंदर पपीज हैं भाई, इसके रंग बिरंगे हैं भाई, कई कलर के हैं। तो भाई 6 पपीज हैं, बच्चे बता रहे थे 8 हैं ये, लेकिन मैंने इनकी काउंटिंग कर ली, ये 6 हैं। देखो हाथ में उठा लिया है आरुषी, अरे बहुत छोटे हैं भाई, अभी हाथ में नहीं उठाने ना। आरुषी रखो वही, नहीं रखो अभी हाथ नहीं लगाना भाई, 10-15 दिन बाद जब इनकी आँख खुल जाएगी तो भी लगा हुआ है नंदनी। इनकी मम्मी आ ली ना भाई, ये बच्चों ने ये बहुत सर्दी से बचाव के लिए घर बना रखा इनका है भाई। वीरवंश किस किसने बनाया था? यो पूरी टीम ने बनाया था भाई, पूरी टीम को बधाई हो कि भाई ये पिल्ले जो है सुरक्षित रहने चाहिए सारे पपीज। हाँ इसलिए तो है अपने घर में। तो भाई क्योंकि यहाँ पूरी टीम लगी खाना प्रोवाइड करवाने के लिए, क्या लाई है? ये हलवा भी आ गया, देखो दूध के बाद तुरंत हलवा, बहुत सेवा हो रही है भाई। बच्चे थे कल 8 हैं थे, और अभी तो 6 ही हैं यहाँ, कहाँ गए 2 हैं भाई? दो बच्चे गायब हो गए भाई, पता नहीं चल पा रहा गए कहाँ हैं। उसके बच्चे उठा लाई गए, इसके 6 थे और उसके 8 थे। हाँ, कुछ बच्चे ने ले लिए उसके। तो भाई ये दूसरी है काली, और ये इधर डिलीवरी हुई इसकी, और इसका घर बना है इधर। वीरवंश गिनियो भाई, काट कूट ले हैं इसके, तो पूरे हैं पूरे, ठीक डाल गिने थे। नहीं नहीं ऐसे थोड़े ही बच्चे उठा के थोड़े ही ले जाएगी एक दूसरे के, कोई क्या हो गया? नहीं नहीं पिंकी को जाना है मंदिर में लेके, शनि धाम पर प्रसाद चढ़ा के आना है इसको, वे चले जाएंगे, मैं घर पे ही रह लूंगी।
वैसे चिंकी मुझे भी बोल रही थी, फिर मैंने कहा कि तुम दोनों चले जाइयो क्योंकि भाई मैं घर का काम भी कर लूंगी एक आधा, और ठंड ज्यादा है बाइक पे, फिर तीन जने जो है ना बड़े बड़े दिक्कत हो गए। मैं चाय पानी दे आऊंगी फिर जो है शाम के खाने की तैयारी करवा लूं। और जो पहले गुड्डू के पापा ने पिछले साल बनवाई थी ना गुड़ और शक्कर, उसकी हम कैसे भी दूध डाल के जैसे हम चीनी के बनाते हैं ना चाय, इस तरीके से बना लो तो फटे नहीं थी, इसकी फट जा, लेकिन ये शायद मसाले वाली है, लेकिन चाय बहुत टेस्टी लगे। गाइस अभी बजे शाम के 4:30 और मैं पापा जी जा रहे हैं सनीधाम, हम हो चुके हैं रेडी और माँ का कुछ सामान लाना हमें, और देखो माँ की चिलम परसों तरसों मेरे पे फूट गई थी और मैं ही लाऊंगी है। तो माँ कौन से साइज की लानी, मतलब माँ ऐसे साइज की लाइए, ऐसे अच्छा छोटे वाले साइज की लानी है। हाँ जी तो चलो पापा वाले जिसपे फूल से निकल रहे मजबूत से हाँ जी कमल कुमल बने हुए इधर है। एक तो चिल्ला होगी और एक और सरप्राइज है माँ के लिए। पापा जी मैं आपको रास्ते में बता दूंगी, चलो चल ठीक है ओके बा। माँ को बहुत एक्साइटमेंट हो रही है अपने सरप्राइज की। देखो पापा जी बाइक निकाल ले, इतने में बाहर चल ली। चलो आरु सारू सीधा अभी वहाँ पे जा रहे ट्यूशन में, यानी वो भी जिद करते कि हमें भी चलना, हमें भी चलना। अपने साइज के दे बड़े ऊपर वाले, फिर चिंकी देख रही है अपने लिए चूड़ियां ब्रेसलेट जो भी सब पसंद आएगा, लेनी तो थी माँ के लिए है, माँ के लिए देख लिए। पाठ कर ली सनी देव धाम मंदिर में, और अब चिंकी अपने लिए खरीद लाई है ब्रेसलेट, और अब चलते हैं माँ की चिलम लेने। और इसी मार्केट में बताई थी तो भाई चलो अपनी धनों करते हैं स्टार्ट। तो ये ले लिया है माँ के लिए भाई चिलम, और यहाँ पे मार्केट से बाहर आके मिली है, जो सनी मार्केट था ना उससे बाहर सनी बाजार से। तो दो साइज की है ये भाई, ये देखो एक साइज तो ये है एक ये है, तो ये थोड़ा सा बड़ा है जब ग्रुप में पियेंगे, और जब सिंगल पर्सन पियेंगे तो ये वाला। दोनों तरह की नीड जो है वो पूरी हो जाएगी। ये जाली भी लगी हुई है कुछ बाहर, तो चलो भाई चिला में ले ली और चलते हैं घर। तो गाइस अभी आ गया है पेट्रोल पंप और पापा जी भरवाएंगे अपनी पसंद की में तेल। ये देखिए गाइस हमने पेट्रोल, अभी अपनी फैसिलिटी के लेके चलते हैं घरू। चलिए गाइस चलते हैं घर, और जैसे ही हम जाते जा रहे हैं ऐसे ही सर्दी बढ़ती जा रही है। तो गाइस गए थे आगे वाले रास्ते से गए थे और पीछे वाले रास्ते से आ रहे हैं। यहाँ पर लगा है मेला बहुत ही अच्छा, ये देखिए गाइस बहुत बड़ा मेला है। पापा जी ये कौन सी चौक है बुढ़ाने की? ये है चौधरी चरण सिंह दयानंद चौक। तो गाइस अभी हमने सारा सामान ले लिया और हम चल दिए घर की तरफ, और हमने पूजा पाठ सब पूरा कर लिया और जितना भी सामान लेना था वो सब ले लिया। ये माँ के लिए चिलम लाए, जैसे दो चार हैं ग्रुप में तो यार अब मैं अकेला पी रहा था फिर यार आग ज्यादा डर जाएगा, तम्बाकू भी चुगल भी है ना। तो
अच्छा चुगल का कटवा भी लगा के दे रखा जो कुआ ना और डिजाइन की ये माँ चलती होगी ऐसे वाली चिलम तो घुंगरू वाली इसे उठा के लाई बड़ी मुश्किल से। मैं तो सो रही थी, देखो इस मोर क्या लाई अब तक सो रही थी। हाँ क्या लावे चिंकी तू 100 रुपए का आया होगा एक सेट। कितने का पापा जी हो? सही 100 रुपए का। एक्यूरेट रेट पता इस होने तो लग रहे बेटे एक एक है तुम्हारा चारों का। तेरा आगे हाथ में हो, तेरा तो नहीं आओगे वो मुझे छोटा लग रहा। मेरा आ जाएगा बिल्कुल। गुड्डू तेरे लिए सरप्राइज लाई एक जोड़ी। अरे आ गया मम्मी एक जोड़ी तो लग रहे एक जोड़ी। ये तो सही आ रहे वाले तो बल्कि थोड़े से ढीले आ रहे मेरे। आपके जो आपके हाथों के फीते पापा जी लोग कह रहे थे ये नहीं लेकर बच्चों का तो चल जाए। हम तो कांच की पहनना है बेटा। हमने तो कांच की पहन ली कांच की भी थी वहाँ पे रोज वाली। पापा ने कुछ नहीं लेन दिया होगा तुझे है ना? मैं तो कुछ लेने नहीं देता। उसके हमारे वाली वाली है क्या जूली की बेटी ऐसी गुली और 5 पिल्ले उसके ऐसी थी। मारी पिल्ले आई दिख गई तुझे या किट्टू की तरह पिल्ले देखा लगे अब जा। ब्लैक कलर के थे यार सारे के सारे उसके सारे ब्लैक काले ही थे।